गुड नेम क्या जनाब? रफीक भाई। रफीक साहब क्या करते हैं आप? जनाब है मजदूरी कर रहे। तो कैसा कारोबार जा रहा है, कैसा गुजर बसर जा रहा है? बिल्कुल कोई कारोबार नहीं है। अच्छा कोई कारोबार नहीं है? नहीं जनाब। तो वजीर आजम इमरान खान साहब ने तो नारा लगाया था कि मैं गरीबों के लिए इंसाफ कायम करूंगा, गरीबों को प्रोटेक्शन दूंगा। झूठ बोला उसने, कोई कारोबार नहीं है। कोई कारोबार नहीं है? नहीं नहीं। पहलवान साहब मेरा आज का सबसे बड़ा सवाल ये है, मुल्क पाकिस्तान में पंजाब पुलिस का जो कल्चर है वो कैसा दिखाई देता है आपको? मुझे अच्छा नहीं लगता वैसे। पंजाब पुलिस के कल्चर से आप खुश नहीं है? नहीं। आपने जाके थानों में देखा है तो थानों में आम बंदे की सुनवाई होती है? आम बंदे की तो नहीं होती, लेकिन कुछ बाल बीच में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, हाँ दोनों है। आम बंदे की दादरसी है या नहीं है? ये होती भी है नहीं भी होती। FIR आसानी से काट दी जाती है आम बंदे? नहीं मुश्किल ही होती है। क्या थाने के SHO आसानी से मिल जाता है आम बंदे को? नहीं आम बंदे को तो मिलता ही नहीं। अच्छा वजीर आजम इमरान खान साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे पंजाब पुलिस के कल्चर के हवाले से, जो उन्होंने नारा लगाया था कि पंजाब पुलिस के कल्चर को बदलूंगा? भाई मैं यही कहना चाहूंगा ये मुल्क की जान छोड़ दे, मुल्क की जान छोड़ दे। यकीन। अच्छा आइंदा 2 सालों में आप देखते हैं वजीर आजम साहब मुकम्मल कर पाएंगे या नहीं? मुश्किल है भाई जान, आप ये हुलिया ही देख ले क्या हो गया इमरान खान के दौर में। अच्छा इमरान खान साहब के दौर में हुलिया चेंज हो गया? भाई 300 रुपए किलो की हो गया। ठीक है हाँ, महंगाई और सब्जी महंगी होगी। ठीक है हाँ जी। अच्छा, फाइनली आप क्या पैगाम देना चाहते हैं वजीर आजम साहब को? बस महंगाई कम करे ये पैगाम देना चाहते हैं। महंगाई कम? हाँ जी बिल्कुल। आम जनता को रिलीफ दे? जी जी बिल्कुल। अच्छा थैंक यू रफीक साहब।